वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर आवर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले वेदांता लिमिटेड स्टॉक के लिए, और तकरीबन लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज और फॉरकास्ट रिपोर्ट भी चेक करने वाले। तो वेदांता स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि 415 पे क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे फ्राइडे के दिन 2% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी 9 पॉइंट से। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में बेसिक चीजें भी और प्रो चीजें भी हम चेक करेंगे। तो इंटरेस्टिंग वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे जो करंट जो प्राइस चालू है वो इंटरेस्टिंग वैल्यू से कम है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए सही जो मानी जाती है। और आरओई वर्सेस एफडी रेट की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न तो नहीं देता है वेदांता लिमिटेड, पर डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक एक अच्छा डिविडेंड रिटर्न ऑफर कर रहा है। एंट्री करने के लिए भी एक अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका भी है। रेड फ्लैग्स फाउंड आने के यहाँ पे आप देख सकते टू मच प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेस। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि रेड फ्लैग्स फाउंड आने के प्रमोटर होल्डिंग में ज़्यादा प्लेस्ड है यहाँ पे आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड में। तो प्रो चीज़ें भी देखे जाए तो प्रो में देख सकते हो तकरीबन डिफॉल्ट जो प्रोबेबिलिटी है आने वाले 12 महीनों में कम होने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स भी देखी जाए तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है क्वालिटी चेक्स में, और ग्रोथ स्कोर भी देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है ग्रोथ स्कोर में। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज कैप का स्टॉक है, तकरीबन मार्केट कैप जो है 1,58,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का ये स्टॉक है। की मैट्रिक्स में देख सकते हो पी रेशियो 13.66 का है, टोटल जो डेप्ट है कंपनी का 57,000 करोड़ का टोटल डेप्ट है। डिविडेंड यील्ड भी देखी जाए तो 2.23% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, और नेट इनकम जो है 11,602 करोड़ का नेट इनकम भी यहाँ पे दिखाया है। टोटल जो रेवेन्यू है 91,000 करोड़ के ऊपर टोटल रेवेन्यू है, और जो टोटल एसेट्स है 1,83,000 करोड़ का टोटल एसेट भी है। तो यहाँ पे फोरकास्ट एंड रेटिंग की भी बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन जितने भी एनालिस्ट की राय ली गई थी उनमें से 80% एनालिस्ट कहते हैं कि ये स्टॉक में बाई करो इन्वेस्टमेंट कीजिए, और फोरकास्ट रिपोर्ट देखा जाए तो इस लेवल से प्राइस फोरकास्ट बढ़ने के चांसेस है 4.42% से। अर्निंग ग्रोथ देखा जाए तो अर्निंग ग्रोथ भी ऐसे बढ़ने के चांसेस है 65.98% से, और रेवेन्यू ग्रोथ भी देखा जाए तो 44.66% से यहाँ से बढ़ने के चांसेस है रेवेन्यू ग्रोथ भी। तो न्यूज़ की भी बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ के पहले यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड में रेवेन्यू जो है ब्लू कलर का है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट है पिछले 4 सालों से, और प्रॉफिट भी यहाँ पे पिछले 4 सालों में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ चुका है। तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि जो अनिल अग्रवाल जी यहाँ पे आप देख सकते वेदांता के यहाँ पे आप देख सकते मेन आदमी, उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू इंस्पायर एंटरप्रेनर्स विद माई सोशल मीडिया पोस्ट वर्क मोर ऑन चैरिटीज। तकरीबन ऐसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ भी नहीं है जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट वेदांता स्टॉक के लिए।